हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रेडमी नोट 11 सीरीज के बारे में, जिसमें आपको मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा और इसमें आपको नया अपडेट देखने को मिला है जो कि है हाइपर ओएस 1.0.3.0 का अपडेट आपको इसमें देखने को मिला है, जो कि सिक्योरिटी पैच के साथ आपको ये वाला अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें आपको कौन सी चीज़ें अलग देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ अपन बात करेंगे कि ये अपडेट आपको कैसा देखने को मिलता है। साथ ही आपको लॉक स्क्रीन में कौन से फीचर्स वगैरह आपको इसमें सारा का सारा कौन से चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें चेंजेस की बात करें तो आप जैसे ही लॉक स्क्रीन पे करते हो तो पहले से ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है इस वाले अपडेट में। बिल्कुल ही स्मूथली ये वर्क करता है, कोई भी लैग इशू वगैरह कोई भी देखने को नहीं मिलता है। इससे फर्स्ट वाला जो अपडेट आया था उसमें थोड़ा बहुत आपको लैग वगैरह देखने को मिल रहा था, वो इस वाले अपडेट में हटा दिया गया है इन लोगों ने। और साथ ही आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथली और एनिमेशन के साथ ये आपको वर्क करने को देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, सिंपली इसको मैं सारा यहाँ से देख सकते हो हटा देता हूँ। और इसमें आपको कंट्रोल सेंटर में ब्लर इफेक्ट्स भी आपको साथ ही देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ आपको, मैं कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। Xiaomi हाइपर OS देख सकते हो आप, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। Redmi Note 11 है मेरा ये वर्जन, और आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा 1.0.4.0 का अपडेट इंडियन वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सिक्योरिटी पेज मई का देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको चेंजेस की बात करें तो डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, आपको हाइपर ओएस का कुछ इस हिसाब से देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से आपको स्टोरेज देखने को इस वाले ऐप में मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले अपडेट में आपको कुछ हिसाब से स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कोई भी बिल्कुल ही स्मूथली ये वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये गए रिसेंट बार में भी जा रहे हो, बिल्कुल भी कोई लैग इशू देखने को नहीं मिला है। और स्टोरेज रिफ्रेश का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, स्टोरेज रिफ्रेश। बेसिकली ये करता क्या है, ये आपके जो स्टोरेज रिफ्रेश का ऑप्शन है ये आपको फ्रेगमेंटेशन करता है, जो कि पीसी में होता रहता है। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ये चलता रहता है, जो आपकी स्टोरेज बार बार आप कोई कॉपी पेस्ट करते हो, कोई फाइल्स ट्रांसफ़र करते हो यहाँ से वहाँ, तो इसको वो बहुत सारी फाइल से बन जाती है, तो उसकी वजह से जो लैग वगैरह होता है उसको थोड़ा बहुत हद तक कम कर देता है। इसी सेकंड फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाईफाई वाले ऑप्शन में सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है। साथ ही ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ में भी आपको कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन आप देख सकते हो। जैसे कि मैं ओल्ड वर्जन में स्विच करता हूँ तो आपको ओल्ड वर्जन कुछ हिसाब से देखने को मिल जाता है, और न्यू वर्जन में आपको कुछ हिसाब से नया वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपका बैकग्राउंड का जो ब्लर है, जो अभी रेडमी नोट 11 में वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें आप वर्क करेगा। और इसमें साथ ही एक और ऑप्शन ऐड हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते थे पहले सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ से खुलता था, सेटिंग्स का ऑप्शन नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से सिंपली सेटिंग्स में जा सकते हो। तो कुछ यही चेंज था इसके अंदर। और यहाँ पे आपको स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि फिलहाल अभी पिछले वाले अपडेट में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, पर इसमें आपको सपोर्ट दे दिया गया है, इसका स्मार्ट होम का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन इफेक्ट्स में चलते हैं तो नोटिफिकेशन इफेक्ट्स में आपको वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा, हाँ बट थोड़ा इसका लुक चेंजेस कर दिया गया है यहाँ पे। लॉक स्क्रीन में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाएंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको नया वाला लेआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें लॉक स्टाइल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आइकन्स, फॉन्ट्स एंड नोटिफिकेशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलते हैं तो आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस वाले डिवाइस के अंदर। और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेकंड्स का ही आपको टैपिंग मोड देखने को मिल जाता है, इसको बढ़ाया नहीं गया है और ये कभी बढ़ने भी नहीं वाला है।
नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे तो नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस और सनलाइट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे डार्क मोड में एक ऑप्शन देखने को मिला है, जिसके अंदर डार्क मोड ऑप्शन देखने को मिला है जो कि स्विच टू डार्क मोड, ठीक है। आप इंडिविजुअल एप्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसके अंदर, कुछ कुछ एप्स में ये वर्क नहीं कर रहा था डार्क मोड, तो इस वाले में आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो कौन से में आपको डार्क मोड चाहिए और किस कौन सी ऐप में आपको डार्क मोड नहीं चाहिए। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको फॉन्ट सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से आप यहाँ से आप फॉन्ट बड़े छोटे बड़े इसमें कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस डेटा स्क्रीन लॉट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि प्राइवेसी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट वर्जन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 13 पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 1 मार्च 2024 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और 1 मार्च का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। और अब फिलहाल अभी जैसे ही मैं इसको करूँगा अपडेट, अभी मेरा इंटरनेट बंद है, जैसे ही अपडेट करूँगा तो इसमें आपको मई का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम वगैरह है, एड सर्विस वगैरह, इसको डिसेबल ही रखना, आपके फ़ोन में भी ऑन हो तो एड्स वगैरह नहीं आएगी। और वेब ऐप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ओपन ऐप्स फास्टर विदाउट इंस्टॉलिंग देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्ले स्टोर से कोई भी वगैरह एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे वो इंस्टॉलिंग का जो फंक्शन होता है प्रोग्राम, वो वहाँ पे दिखाई देता है। वो वेब ऐप्स आप जैसे इसको एनेबल कर दोगे तो वो जो वो रन करता है पेज जैसे ही सामने आ जाता है इंस्टॉल होने के बाद, तो वो इसमें नहीं आएगा, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर, आप देख सकते हैं अर्थक्वेक अलर्ट्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको स्पेशल परमिशन वगैरह यहाँ से देखने को मिल जाती है, अदर परमिशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हाई रिस्क परमिशन वगैरह आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ऐप्स की बात करें तो ऐप्स में आपको कुछ इस हिसाब से अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। और उसके बाद बैटरी में बात करें तो बैटरी में आपको कुछ हिसाब से देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है फिलहाल के लिए, अभी जो HyperOS का ऑफिशियल है जो वो इसमें नहीं मिला है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बैलेंस बैटरी, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड देखने को मिल जाता है, बैटरी प्रोटेक्शन में आपको टेम्परेचर दिखाई देगा और आपने कितनी बार अपने फ़ोन को आज की डेट में चार्ज किया है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एडिशनल फीचर्स में आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ टाइम नाइट मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल वेलबींग पेरेंटल कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो आपने पूरे दिन में कितनी बार फ़ोन को अनलॉक करा है, कितनी नोटिफिकेशन आई है और क्या क्या आपने यूज़ करा है फ़ोन के अंदर, वो आप यहाँ से देख सकते हो। प्राइवेसी में आप देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है, प्राइवेसी में प्राइवेसी डैशबोर्ड करके एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। लोकेशंस में देख सकते हो, एडिशनल सेटिंग्स में आपको देख सकते हो यहाँ पे जेस्टर्स शॉर्टकट वन हैंड मोड मेमोरी एक्सटेंशन में आपको यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन यहाँ पे आपको बढ़ा दिया गया है, पहले 1GB 2GB तक कर सकते थे, अब इसमें आप 4GB वाले वेरिएंट में 4GB एक्स्ट्रा आप बढ़ा सकते हो यहाँ जाके मेमोरी एक्सटेंशन में एडिशनल सेटिंग्स में जाके। फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। साउंड एंड इफेक्ट्स में देख सकते हो कुछ हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने हिसाब से साउंड वगैरह कोई भी चॉइस कर सकते हो। और इसी के साथ कैमरे की बात करूँ तो कैमरा में आपको छोटे बड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, इसका लेआउट अभी तक फिलहाल चेंज नहीं कर, इसका लेआउट बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, जो पहले वाला था वही आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, बट इतना है कि आपको ये लैग वगैरह जो पहले लैग वगैरह इशू आ रहे थे वो अब इसमें नहीं आ रहे, बिल्कुल भी फोटो आप देख सकते हो इंस्टेंट ये ले रहा है, कैप्चर कर रहा है और आप साथ ही इसको देख सकते हो कुछ हिसाब से, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाइट मोड का ऑप्शन बिल्कुल थोड़ा बहुत इसमें स्टेबल कर लिया है इन लोगों ने, पहले कुछ ज़्यादा ही ये वो हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स में चलते कैमरा सेटिंग्स में तो आपको वाटरमार्क ऑफ स्मार्ट सजेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो कुछ हिसाब से। आप पिक्चर क्वालिटी को
कम ज़्यादा लो स्टैंडर्ड हाई भी आप सेट कर सकते हो और ये सब आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप मेरे चैनल पर नए आए हो, और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।